जी नज़ ब्रेक खां पोइ अवां खे चऊं था भलीकार जलसन जी सीज़न हले पई, जलसा जुलूस हलनि पिया, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मैदान में लथियल आहिनि। हतमी फ़ैसिलो ज़ाहिर आहे मुल्क जे माण्हुनि खे करिणो आहे 8 फेबरवरी ते, हू कंहिंखे कामयाबु करार ॾियनि था। बहरहाल जेकॾहिं ॾिसूं त पंजाब में नवाज़ लीग जा जलसा जुलूस हलनि पिया, अॼु हाफ़िज़ाबाद में नवाज़ शरीफ़ साहिबु जलसो कयो आहे, सिंध में बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु काफ़ी ॾींहनि खां एक्टिव आहे, हिकिड़े ॾींहं में 2 खां 3 जेके आहिनि उहे जलसा जुलूस कनि पिया। इन खां पहिरियां ॿियनि सूबनि में बि उहे जलसा जुलूस करे आया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं असां ॾिठोसीं त बदीन में बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो जलसो हो, सांगड़ में जलसो हो, ऐं अॼु उन्हनि नौशहरो फिरोज़ में बि जलसो कयो आहे, ऐं इरफान महबूब साहिब जी अवां जे इतलाउ में आहे त मेहड़ में बि जलसो कयो आहे। सो नौशहरो फिरोज़ वारे जलसे ते पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उते अॼु सूरत हाल छा रही, ऐं जेके उते 2 क़ौमी असेंबली जा तक आहिनि, 4 सूबाई असेंबली जा तक आहिनि, ऐं नेशनल पीपल्स पार्टी बि उतां सीटूं माज़ी में खणंदी रही आहे। सो हींअर सूरत हाल कीअं आहे नौशहरो फिरोज़ मां? धरती टीवी जा रिपोर्टर आहिनि ज़फ़र तगड़ साहिबु, उहे सस टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। ज़फ़र साहब, तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो अॼु जे जलसे जे हवाले सां, असांखे ॿुधाइजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको जलसो हो कीअं रहियो, कारकुननि में केतिरो जोशो ख़रोश अव्हांखे नज़र आयो, ऐं माज़ी में असां ॾिठो आहे त नेशनल पीपल्स पार्टी बि नौशहरो फिरोज़ मां सीटूं खणंदी रही आहे। पीपल्स पार्टी जेके हीअ अहिड़े क़िस्म जा जलसा करे थी, इलेक्शन में उन्हनि जा जेके उमेदवार बीठल आहिनि उन्हनि खे केतिरी सपोर्ट मिलंदी अव्हांजे ख़्याल में, हीअ जेके जलसा जुलूस थियनि पिया? जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदा, अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जो अज़ीम शान जलसो नौशहरो फिरोज़ में थियो। अॼु सुबुह बिलाल साहब 5 बजे पहुचो, 11 बजे खां वठी नौशहरो फिरोज़ दिलि जो आम जलसे अंदरि ईंदो रहियो। एतिरे तइदाद में वॾे अंदाज़ में माण्हू आया, 100 फुट जी स्टेज थी हलई, ऐं पीपी जा कारकुन पंहिंजे पीपी जे गाननि ते जोश में हुआ। ऐं बिलाल भुट्टे पंहिंजे तकरीर में चयो त नौशहरो फिरोज़ सदाई पहुतो रहियो आहे, ऐं मूंखे ख़बर आहे त नौशहरो फिरोज़ बि हिन बोर्ड में घणो मुतासिर थियो आहे। इनशाला ताला असां इंतज़ार में अचे नौशहरो फिरोज़ में हिकु घर, वॾा घर ठाराईंदासीं, ऐं नौशहरो फिरोज़ एन आर सी सेंटर ॾींदासीं, नौशहरो फिरोज़ में हिकु यूनिट ॾींदासीं। ऐं हिन अवाम खे अपील कई त 8 तारीख़ ते तीर ते थप आणी पीपल्स पार्टी कामयाबु कंदासीं, जीअं मां वधीक कमु थियां त अवाम जी ख़िदमत करे सघां। जेको अवाम जी वलवल ॾिसण में आयो त पीपल्स पार्टी जे 4 सूबाई 2 क़ौमी सीटूं आहिनि, त हर कंहिं उमेदवार पंहिंजा पंहिंजा माण्हू आंदा जीअं जलसो कामयाबु थिए। इन मां लॻे थो त पीपल्स पार्टी हिन इलेक्शन में नौशहरो ज़िले मां सभु सीटूं खटंदी, ऐं अॻियां एन पी पी बि मुक़ाबिलो आहे, पर एन पी पी खे एतिरी परे न आहे, छाजे करे उहे विच ते दर्जाज इलेक्शन में सभु सीटूं हाराए विया। उनजे करे पीपल्स पार्टी जो जेके कारकुन आहिनि वॾे जोश जज़्बे में आहिनि, ऐं हिन इलेक्शन में बिलाल भुट्टो कामयाबु पीपल्स पार्टी जा कहिड़ा कहिड़ा, ज़फ़र, पीपल्स पार्टी या नौशहरो फिरोज़ में जेकॾहिं हींअर ज़िक्र कयूं, क़ौमी असेंबली ते कहिड़ा उमेदवार मैदान में लथियल आहिनि, सूबाई असेंबलियुनि ते कहिड़ा आहिनि, उनजे हवाले सां बि असांखे ॿुधाइजो, ऐं जेके उनजे मुक़ाबले में उमेदवार मैदान में आहिनि। 105 ते इब्राहिम शाह जेको अॻे इलेक्शन में खटी वियो वॾे अक्षर सां, ऐं 206 अॻे इलेक्शन में गुलाम ज़ुल्फ़कार भेण जो मुक़ाबलो ज़ुल्फ़कार भेण खटी वियो, ऐं जेको नौशहरो फिरोज़ उते अॼु बि सरफराज़ शाह खटियो, ऐं पी एस सैद मुराद शाह खटियो। हाणे उनजे ज़फ़र, असांखे मुख़्तसिर इहो ॿुधायो त नौशहरो फिरोज़ ज़िले में कुल क़ौमी ऐं सूबाई तक केतिरा आहिनि, ऐं 2018 जे चूंडनि में उन्हनि में पीपल्स पार्टी केतिरनि सीटनि ते कामयाबु थी हुई, ऐं मुख़ालिफ़नि मां कहिड़नि कहिड़नि उमेदवारनि या जमायतुनि उते कामयाबी हासिलु कई? कुल नौशहरो फिरोज़ में 6 सीटूं, 2 क़ौमी 4 सूबाई इलेक्शन में 2018 में जतई एम पी पी 1 सीट कढी, बाक़ी 5 सीटूं पीपल्स पार्टी कढियूं। अच्छा, उहो जेको हाणे हिकु तक आहे जंहिं ते 2018 में एन पी खटियो हुयो, हाणे उते 2024 में छा पोज़ीशन आहे ख़ासि तौर ते? उते ज़िया हसन रंजा साहब बीठो आहे, ज़िया हसन रंजा साहब उते मोरे में कमु कराइणु सरकार, इन करे हिन साल लॻे थो त ज़िया हसन कामयाबु थींदो, तव्हांजे जतुनि जी पोज़ीशन उते कमज़ोर थियो कोन थी। अच्छा ज़फ़र, आमतौर ते जॾहिं जलसा थींदा आहिनि ऐं पार्टीअ जी आला क़यादत ईंदी आहे त का न का शमूलियत जहिड़ी एक्टिविटी ज़रूरु थींदी आहे, त अॼु बिलावल जॾहिं नौशहरो फिरोज़ पहुतो, जलसो थियो आहे, त कंहिं शमूलियत अख़्तियार कई या अहिड़े क़िस्म जी का सरगर्मी तव्हांखे नज़र आई? अॼु हिते जलसे में न आई आहे, बाक़ी हूअं कल्ह अॼु उहो सूबाई सेमिनार जिते मेंबर हूंदा उते सेमिनार थींदा, जलसे में का अहिड़ी शमूलियत न थी। ठीकु आहे, ठीकु आहे, महिरबानी ज़फ़र तव्हांजी। ज़फ़र तगड़ ॿुधाए रहियो त जीअं 4 सूबाई तक आहिनि त हिकिड़ो नेशनल पीपल्स पार्टी कामयाबु थी, उन तां जी डी ए जा ज़ाहिर हू इतिहादी हुआ उतां, ऐं
बेन सीटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब थी रही है। ज़ियाउल हसन लंजार के ही शिकस्त आई हुई इन तक एक भेर बीहर उ इलेक्शन में हिस्सों वी रहा उ गाल जी पा पे भी गलायोसी जैसे मर्कजी क्यादत कें भी उम्मीदवार के लिए इलेक्शन मुहिम हलए थी तो उनकी पोजिशन काफ़ी स्ट्रांग थी वे थी। सो मेहड़ में भी जलसो थो अज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सो असि कोशिश रही तो उनते भी गाल बोल क्यों तो उत सूरत हाल कि रही मेहड़ वारा जो इलाका उ भी काफ़ी दिलचस्प रहन था इन पास परते रिसु दादू में लियाकत जतोई वगैरह माजी में काफ़ी एक्टिव रहा पर मुसलसल 2008 जो इलेक्शन हो जे 13 जी 11 जी उन्होंने शिकस्त मिली है। सिंध जा अगुणा वड़ा वजीर भी रहा है सो उन्होंने काफ़ी टफ टाइम पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार दींदा रहन था। इन भेरे सूरत हाल कि असानी कोशिश होंगी तो उनते भी पा गाल बोल करूँ। ही जलसा जुलूस हलन पिया हाफिजाबाद में जो नवाज शरीफ साहब खिताब कयो यकीन इरफान साहब वहाँ भी बुधो होंदो इन का पहले इंटरेस्टिंग गाल जका मु नोट कई तो नवाज शरीफ साहब पहले जडे आया तो जो लाहौर वो उन्हें जलसो वो पांच जगह तो उनका वरी उन्हें गल शुरू कर इनका पहले लंडन में उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से इल्ज़ाम पे मढ़िया एहतसाब जो गालियों पे क्यों और नवाज शरीफ साहब ज शहबाज शरीफ साहब वापस वह तो गालियों पे हलूँ तो उनके समझाया वो है अज की तकरीर मु डिठी चवण का मतलब यो है तो उन्हें समूरो बार जण ते जजन के कुलहन से रखी छोड़ो उन्हें विधो है उन जो 2017 में पंज जजन जो है सो चो जो 22 करोड़ आवाम है उनके चूंडल नुमाइंदन के घर मोकले छोड़ो उनके नाहल करार दई छोड़ो हू मतलब एस्टेब्लिशमेंट का हटी हाँ जजन से पौता है पंज जज माना हाँ बाजवा साहब बिच में तकरीर में गुजरांवाला जो उनको जलसो थो माजी में बाजवा साहब आपने मुझे क्यों निकाला बो चो हाँ लगे तो शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली कम आई है हाँ एस्टेब्लिशमेंट का हटी कर जजन से अची वह जो जज साहब हो फ्यूचर चीफ जस्टिस नेट वो भी रिजाइन कर सो अना तीन इल्ज़ाम हणन पाया जजन से पर जजन का अड़े किस्म फैसला केर तो दियारे उनते गल तैयार ना पैं गाल नून लीग अलल ऐलान है तो साड़ी गल हो गई है ठीक है। हाँ बी गाल है तो चूंड मुहिम हलायण के लिए एक नैरेटिव की जरूरत होंगी है बयानी की जरूरत होंगी है 2000 इनमें 16 में 17 में जरा नवाज शरीफ साहब के डिसक्वालीफाई किया वो इक्तदार त हटाया वो वो मुख्तसर अरसे की जेल काटे जैसे लंदन पहता तो उत दिठो तो कि एस्टेब्लिशमेंट से तदोकी फौजी क्यादत बोहतानबाजी शुरू कई मुझे क्यों निकाला उन ये सब बयानबाजन का थींदे 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 वोट को इज्जत दो वारे ही अची बयानी पहता दिठो तो बेतमादी की रिथ मूव थी कड़े तरीके से वोट के इज्जत दिनी वही वह वोट के इज्जत दींदे 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 हाँ सूरत हाल इतने पहती है तो नून लीग वट अवाम वट चबो आ मंझन खपाण का सिवा कुछ भी न बचो है तो हाँ नून लीग वट को बयान आ ही को छोजो उन्होंने पोजो जो वोट के इज्जत दियो वो बयान हो उन्होंने उन्होंने पानी दफन किया है कड़े तरीके से उन्होंने पंजाब में हुकूमत ठाई मुख्तसर अरसे कड़े तरीके से उन्होंने नेशनल असेंबली में हार्स ट्रेडिंग कई कड़े तरीके से उन्होंने बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो जैसे वारो आयो उनको सो जैसे बाजवा साहब के हक में वोट दिनों तो ये सब जो गालों यो है रुगो सियासत सियासी हद ती है अमली तौर की जी बयानिया ठहन था खास कर नून लीग जहाँ तक याद हों जैसे ज़ियाउल हक याद में मुराद यो ना तो 88 में भी होी वी उम्र याद में मुराद हिस्ट्री हिस्ट्री में जैसे ज़ियाउल हक साहब शहीद थो मरी वो शहीद वरी नून लीग जो असल में मुख्य दिमाग में है तो नवाज शरीफ साहब न शहीद में उन सेंस में चो मियाँ साहब कबर से वो ज़ियाउल हक जी उत चवंदो असा वारिस आयूं शहीद ज़ियाउल हक जो मिशन पूरो कंदुस तकरीरू ये सब शयूं जेके ये तारीख जो हिस्सो आहिनि सो नून लीग वटि हींअर को भी बयानियो न रहियो आहे सवाइ इन खां त हू हाणे जेके अॻूणी क़यादत हुई फ़ौजी ऐं जेके जज इस्तीफ़ा ॾेई हलिया विया उन्हनि ते लफ़्ज़ी हमला कनि उन्हनि ते रुगो बोहतानबाजी कन बाकी जेका कारकर्दगी मजमूई तौर ते नून लीग जी रही आहे जॾहिं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बणियो हिकिड़ो ज़बरदस्त मौक़ो हुयो नून लीग वटि त हू डिलीवर करे हा पूरे पाकिस्तान में पंजाब में उन्होंने जो अग में पॉपुलरिटी हुई इमरान खान की हुकूमत में जहाँ आवाम से ज्यादती थी जहाँ महंगाई थी या जो मसला मसायल थे जी विछा एक पैदा थे पीटीआई गवर्नमेंट की आवाम के विच में तो उन्होंने अजाए सन पे हक में हालतू कर सन पा पर यही चवन शहबाज शरीफ साहब वरी नवाज शरीफ साहब जो उस्मान बुज़दार
जो वो थी वो नतीजे में तिठो तो हिंसर सूरत हाल है नून लीग की कैंपेन हलण के लिए तैयार ना तकरीर जहाँ तुम हाफिजाबाद वाली गाल नून लीग जो जलसो थो वह भी तुम थोड़ो गौर कर मियाँ साहब से एक तो नवाज शरीफ साहब अलग परेशान नजर था अचन ए उन्होंने जी तकरीर हुई वह भी मुख्तसर हुई सो भी रुगो चैन पंजन जजन के चौधारी घुमे पी उन हलिया वह तो गाल वही बची बीह थी तो साड़ी गल हो गई है तुम बुधा शहबाज शरीफ साहब लंडन भी उतना वापस आया एक सैटलमेंट थी सो ही जो सजो मामलो है सैटलमेंट तहत हल पो यो तासुर जो उभरी रो है तो ये सजो कुछ नून लीग के इकतदार में आने लिया पो वे वाकई मुख्य भी कें मल सच लगे तो पर बिलावल साहब क्लियर है तो असा इन भेरे ये थियण को दिंदी जहाँ हुकूमत ठहंदी वह आवाम की ताकत से ठहंदी सो ऐसों जो फैसला कन था उेरे कड़ो फैसलो कन था। अच्छा इतने आऊँ जरूर इन गाल भी गाल बोल कस असा जाहिर एज अ जर्नलिस्ट पा हर पार्टी जो सुी गाल होंगी उनकी साराह कंदी बुधाई आवाम के साराह में मुराद या जड़ी उणाई होंद तो उनते भी पा जरूर गलई सो उ दोस्त जो समझन था तो नून लीग का एक वही इनकलाबी पार्टी है या जैसे नवाज शरीफ साहब यो बयान दिनों हो तो उन जजन का उन जर्नल का इतसाब वासी माणन के लगो तो इकतदार में अची वन सगेन का वही फाइट कंदा उन कटहड़े में आनींदा सो उन दोस्तों के याद दियारींदा हलो तो ये सब इलेक्शन प्रैक्टिस थन था पो मीडिया के मानुन के उनन जो ध्यान छिकाएने जो को लाडले जो उनते लाडले जी छाप जका लगण आ है न के भी लीडर ते वो रडी एकड़ी खतरनाक छाप हुंदी आ है उन के अन्या तई जायल न करे सके हैं धोई न सके हैं पो विच में एड़े किस्म दा फिलर उनन छड्या पर मुख्तसर अस टाइम घटा है जकरे जी अहा गाल कई बिल्कुल जियाउल अकबरी तारीख के पान कोन था दोहराई वो तो घणे परते जो गाल आ है पर जकरे अची था हाण जो उनन के इक्तदार मिलियो हो ही 2013 जे इलेक्शन में नून लीग जे केतरी वडी इंकलाबी पार्टी आ है जने परवेज मुशरफ जो ट्रायल जो भी हु क्रेडिट जरूर खणदा आइन तो मुशरफ ते गद्दारी जो इल्जाम केस असा हलायो पर अमा के खबर उजन घरे तरे इफ्तिखार मोहन चौधरी साहब चीफ जस्टिस हुआ उनन जो वाजे डायरेक्शन हुयो तो हनन आइन टोड़ियो हो 2000 जका इमरजेंसी लागू कई हुयो 2007 अक्टूबर में तो ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जे प्रेशर में अची आइन यो जो को गद्दारी वारो केस हलायो ही पान विलिंग न हुआ आइन उनन जी हु वजाहत भी करे चुका उन वक्त जो जो आर्मी चीफ हो जैसे तो उन्होंने राहिल शरीफ साहब के बुधायो थी असा नथा करण चाहूँ पर जी तो असानी मजबूरी है चीफ जस्टिस साहब का यो असा का करायो हो ठीक उते भी यो क्रेडिट उन इनकलाबी पार्टी को वरी जगह अवे याद होते डॉन लिंक्स वो जो मसलो थो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो रिजेक्टेड वो एक नोटिफिकेशन निकतो रिजेक्टेड अस इनके कबूल ही को क्यों तो उन जमाने में इन वजीर की कुर्बानी दिनी परवेज रशीद साहब के उन्होंने हटाए छो तारिक फातमी साहब जो हुआ उन्होंने कुर्बानी दिनी मतलब हि एडा इनकलाबी होजना तो डटी वजना जैसे डट जाना या बीह ही रहना अस चूं तो वरी पा जी अचू फैजाबाद वो जो धरणो लगो हो अवे जो याद हों तो वरी कानून वाला जो वफाकी वजीर हुआ जाहिद हामिद साहब इन उनके कुर्बानी जो बकरो ठाए छो हो उन इस्तीफा दियारे छी हुई ही उन धरने वारन से रिटन मुहायदो कर आया जन असि डुहारी आयो हालांकि वह तकरारी मामलो हो वो जो रिटन मुहायदो आ वो हलन भी रो सो पान वजीर का ही कुर्बानी डारींदा रहा पाने इकतदार के बचाने लाए उन वरी जचूँ तो वोट को इज्जत वो नरेटिव ही सब कुछ उठाए चुका वरी जैसे बाजवा साहब के एक्सटेंशन दियण जो मामलो आयो तुम्हें खबर होंगी तो किए एक्सटेंशन दिनों फौजी कोर्टन जो जैसे विच में मसलो आयो एपीएस आरो सानी हो जे किए ही कुछ कंदा रहन सो ये सब कुछ एक चो तो ड्रामो आए तो एक वही इनकलाबी पार्टी है वड़ा के नजरियाती मूँ असल में दिठो वे हकीकत है तो न रुगो नवाज लीग पर पाकिस्तान में शायद ही हाँ का अड़ी पार्टी बची हुए जो इहा दावा करे सके तो का वही नजरियाती है वही इख्तिलाफ रखे थी हर कें जो जो नरेटिव है जो मौकिफ है जो टारगेट खी चूँ वो है इकतदार असें खपे शर्त कड़ा भी होजन मुतालबा कड़ा भी होजन तस्लीम कंदी शर्त है असें कुर्सी खपे सो ये इनकलाबी इनकलाबी जहाँ भाषण आज जाहिर वो जन था जन खपन पर नून लीग उ इनकलाबी पार्टी है को अज अव ऐसी छो जो पा गल तो पंज जज हाँ जन उन्होंने सो आवाम से ज्यादती कई उन जजन का यो फैसलो कें दियारो माजी में वो बुधाइंदा नाला खणा पर हाँ उन नाला खड़ने लगे तैयार ना शायद असा घो गल ब्रेक के लिए चाहिए सो ब्रेक वो गाल है तो एज अ जर्नलिस्ट ही असं तो सुठाइन से भी ालबो पर जो उणाइयों होंद उन भी निशानदेही करें असानी जिम्मेदारी थे थी का भी पार्टी असानी फेवर को फेवरेट को केंजा असी न मुखालिफ आयो न ही असि केंजा को कारकुन आयो जो हक सच्ची गाल हूँ ये जो फैक्ट असि बुधाई पे हिस्ट्री जो हिस्सो है बिल्कुल एडी कोई पुरानी तारीख भी कोने सो सभी के याद भी होंद सो ब्रेक वा ब्रेक का वापस इंदी तो असानी गाल बोल जो सिलसिलो जारी रहा।